हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीवाई मनोसर में। तो आज बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के कुछ क्वेश्चन हैं जो यानी कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बता दूं दोस्तों कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे NDRI। तो NDRI का पूरा नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, वो करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। कहाँ पे? तो करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। तो उससे पहले बता दूँ दोस्तों कि ये क्रेश कोर्स की क्लास नंबर 5 है। तो हमने इससे पहले 4 क्लासें कर ली है, आज से डेली की 2 या 3 क्लासें अपलोड हो जाएगी। आपको डेली की जितना जल्दी हो सके क्रेश कोर्स हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे IVRI, यानी कि ये ज़्यादातर पूछा जाता है IVRI कहाँ पे है। तो ये IVR का हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, वो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर स्थित है। इज्जत नगर यूपी के अंदर है। आगे बात करते हैं भैंस अनुसंधान संस्थान या CBRI, सेंट्रल फेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, जो हिसार हरियाणा यानी कि हिसार के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन ऊन अनुसंधान संस्थान यानी कि CSWRI कहाँ पे स्थित है? अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है, यानी कि अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान बोर्ड यानी कि NDDB कहाँ पे है? तो आनंद गुजरात यानी कि आनंद गुजरात के अंदर है, वहाँ पे ये स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ पे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान से सुनिए कि ये कहाँ पे स्थित है। तो बकरी का यहाँ पे है मखटूम फरा मथुरा, यानी कि मखटूम फरा है मथुरा के अंदर है। यहाँ पे प्रॉपर मखटूम है, ये फरा है वहाँ का है जो एरिया, और मथुरा के अंदर है जो ये यूपी के अंदर आता है, यानी कि यूपी में होगा। आगे बात करते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी कि CARI यानी कि कहाँ पे है? तो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। आगे बात करते हैं केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड यानी कि ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे है? तो ये है CWDB, CWDB है यानी कि जोधपुर के अंदर स्थित है। अगर राजस्थान में बात आ जाए तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। और यहाँ पे ये ऊपर आ गया भारतीय डेयरी निगम IDA यानी कि IDA तो कहाँ पे है? तो आनंद गुजरात के अंदर स्थित है, आनंद गुजरात में है। आगे बात करते हैं राजस्थान में राजस्थान पशु विकास बोर्ड यानी कि RLDB कहाँ पे स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है, यानी कि जयपुर के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं ऊँट अनुसंधान केंद्र है, तो वो जोरबीर बीकानेर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान है, वो हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है, यानी कि हिसार के अंदर है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो एओ पशु अनुवांशिकी संस्थान है, वो करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। तो हरियाणा के अंदर 2 या 3 सेंटर है जो पशु से संबंधित है। आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं परीक्षण संस्थान है, वो जामडोली जयपुर के अंदर स्थित है। जामडोली जयपुर के अंदर यानी कि ऐसे जयपुर में पूछा जाए तो प्रॉपर गाँव यानी कि जो सिटी है तो वो तो होगी जयपुर, और वैसे अगर प्रॉपर जगह पूछी जाए तो जामडोली होगा। आगे है राजस्थान पशु रोग निदान प्रयोगशाला है, यानी कि पशु रोग निदान प्रयोगशाला है, वो जयपुर के अंदर स्थित है। राजकीय कुक्कुट परीक्षण केंद्र है, वो अजमेर के अंदर स्थित है, यानी कि अजमेर के अंदर कुक्कुट परीक्षण यानी कि अजमेर के अंदर सबसे ज़्यादा मुर्गियां होती है, तो इसलिए थोड़ा सा समझने वाली है तो अजमेर होगा। आगे बात करते हैं पशु पोषाहार संस्थान है जामडोली जो यानी कि जामडोली जयपुर के अंदर है। आगे बात करते हैं गोपशु परियोजना निदेशालय है मेरठ यानी कि मेरठ के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुक्कुट परियोजना निदेशालय है यानी मेरठ यूपी, और यहाँ पे कुक्कुट निदेशालय हैदराबाद के अंदर है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म है तो हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुक्कुट का हो गया यानी कि भेड़ का हिसार हो गया, और कुक्कुट का है बेंगलोर में। और डेयरी जो यानी कि डेयरी पशुपालन विभाग की स्थापना है वो 1991 में हुई थी। कौन सी सन में? 1991 के अंदर हुई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पे यानी कि जो स्थापना बता दी उसके बाद में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन डेयरी डेवलपमेंट यानी कि डेयरी का डेवलपमेंट है वो 1998 में स्टार्ट किया गया था। पशु बीमा योजना है वो 1974 में लागू की गई थी। और
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है वो 1965 में लागू किया है। इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप लोगों को जिसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने बता रखा है, मैंने ग्रुप में भी कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कमेंट करके मांग सकते हो, मैं दे दूँ आपको। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। तो आगे चलिए, आगे बात करते हैं गोपाल कार्यक्रम। तो यानी कि गोपाल कार्यक्रम है वो 1990 से 91 में स्टार्ट हुआ था। कामधेनु योजना है वो 1997 से 98 में हुई थी। अब बात करते हैं यानी कि मूल ग्रामीण योजनाएं, यानी कि प्रथम योजना थी तो वो की विलेज स्कीम थी, यानी कि गांव से हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट हुई थी। गौशाला का विकास योजना, यानी कि गौशाला के अंदर